क्या हुआ मम्मी, क्या बात याद आ गई जो इतना मुस्कुरा रही हो? नहीं कुछ भी तो नहीं। कुछ तो बात है, बताओ ना। बस मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर रही थी जो उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। प्रार्थना? कौन सी प्रार्थना? मुझे हर वक्त तुम दोनों बहनों की चिंता रहती थी कि भगवान जाने क्या होगा मेरी बेटियों का। तेरे पापा के जाने के बाद मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तुम दोनों को कैसे संभालूंगी, पर भगवान की दया से तेरी बड़ी बहन को इतना अच्छा ससुराल मिल गया, उसकी इतने अच्छे घर में शादी हो गई, अब तेरा भी रिश्ता इतने अच्छे घर में हो गया है, बस अब मेरी चिंता दूर हो गई। मम्मी वो सब तो ठीक है, पर मैं सोच रही हूँ मेरी भी शादी हो जाएगी, आप तो बिल्कुल अकेली रह जाओगी। आप ऐसे करना, आप है ना मेरी शादी के बाद आप हमारे साथ ही रहने लग जाना, या फिर मैं इनसे कहूँगी कि ये हमारे साथ ही रहने लग जाए यहाँ पर। चल पगली, मैं अकेली कहाँ रहूँगी, और कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी कभी तू आ जाना मुझसे मिलने, कभी तेरी दीदी आ जाया करेगी, अकेली कहाँ रहूँगी मैं। हाँ थोड़े दिन लगेगा अकेलापन, पर धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी। मम्मी। अरे दीदी आप अचानक कैसे, जीजू कहाँ है? अरे बेटा कैसी है तू, ठीक तो है ना? आप दोनों बातें करो, मैं पानी लेके आती हूँ। मम्मी अब मुझे नहीं रहना उस आदमी के पास, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। तू पहले पानी पी आराम से। अब बता क्या बात हो गई। मम्मी वो आदमी है ना, मुझे ना तो कहीं घुमाने ले जाते हैं, ना कहीं मूवी दिखाने ले जाते हैं, और कभी बाहर खाना खाने की कह दो ना तो मुझे दो दो पन्नों का भाषण सुना देते हैं। अरे हमारी शादी को अभी साल भर ही तो हुआ है लेकिन कुछ भी नयापन लगता ही नहीं है, वो न्यू कपल वाली तो बात ही नहीं रही। दीदी जीजू के बारे में आप ऐसा कैसे कह रहे हो, जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ वो तो बहुत अच्छे हैं। रहने दे, तेरे लिए अच्छे होंगे। नहीं बेटा छोटी सही कह रही है, अरे मैं भी नहीं मान सकती कि दामाद जी ऐसे। मम्मी मैं उनके साथ रह रही हूँ, मुझे पता है कि वो कैसे हैं। अरे वो आदमी एक नंबर के कंजूस हैं, मैं कहीं घूमने फिरने की कह दूँ ना तो सबसे पहले है ना खर्चों का पहले हिसाब लगा लेते हैं वो। दीदी मैं कैसे मान लूँ जीजू कंजूस हैं? अरे मम्मी ने तो मुझे आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया था, पर एक जीजू ही थे जिन्होंने मेरा एडमिशन इतने बड़े कॉलेज में करवाया और मुझसे कहा कि तू आगे पढ़, मैं हूँ। सारा खर्चा यहाँ तक कि उन्होंने उठाया है मेरी पढ़ाई का, यहाँ तक कि अब मेरा जो रिश्ता इतने अच्छे घर में हुआ है वो भी जीजू की रेफरेंस से हुआ है। अरे मम्मी जब हॉस्पिटल में थी उन्हें वहाँ पर लेकर कौन गया था, वो जीजू ही थे ना। अब बार बार उनके रूटीन टेस्ट करवाने वो कौन करवाता है, वो सब करवाने वाले जीजू ही हैं। अब भी आपको पता है वो डेली फोन करके मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी जी आपकी तबीयत कैसी है, और आप चिंता मत करना, आप ये मत सोचना कि आपको कोई बेटा नहीं है, अरे मैं हूँ आपका बेटा। और पता है मुझसे क्या कहते हैं, मुझसे कहते हैं कि कहने को तो तुम मेरी साली हो पर मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है, और मैं वो सारे फर्ज पूरे करूँगा जो एक बड़े भाई के होते हैं। अब दीदी आप बताओ मैं कैसे मान लूँ कि वो कंजूस है। हाँ उनकी नेचर थोड़ी पापा जैसी रही है, उनको घूमना फिरना बाहर खाना खाना ये सब उन्हें फिजूल खर्ची लगता है। हाँ बेटा छोटी सही कह रही है तेरे पापा के बारे में, और तू भी तो जानती ही थी ना उनको। हाँ वो थोड़े कंजूस थे पर दिल के बहुत अच्छे थे, और किसी भी इंसान को बेटा बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। देख बेटा तू दामाद जी में है ना बुराइयाँ देखना बंद कर, उनकी अच्छाइयों को देख, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दीदी थोड़ा आपको भी बदलना पड़ेगा, और मुझे पूरा विश्वास है आपको ना बदलता देखा ना जीजू अपने आप को भी बदल लेंगे। बेटा तू फटाफट दामाद जी को फ़ोन कर और उन्हें यहाँ बुला, कुछ हम समझाएंगे उनको, और देख कुछ तुझे भी समझना पड़ेगा। देख बेटा ये जो घमंड है ना
ये सारे नाश के जड़ है। तो फटाफट फोन कर और उन्हें यहाँ बुला। दीदी अब भी आप सोच ही रही हो? हाँ छोटी, शायद तू सही कह रही है, बात इतनी भी नहीं है जो मैंने इनसे अलग होने की सोच ली। हेलो।